जी तो आपने वहां पे ये करांची कॉन्सुलेट में अप्लाई किया था। जब आपने अप्लाई किया था तो आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जब आप कॉन्सुलेट में जाते होंगे तो। जी जी बहुत यहाँ पर काफी सारे एप्लीकेंट्स हैं। मतलब अगर ओवरऑल आप तो बात करें जो नंबर हमें पता चले हैं, तो मेरे ख्याल में 1500 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस कराची कंसुलेट से मतलब अच्छा, प्रोसीव हुई। तो आपको क्या लगता है, हमारे तो यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शंस देखने को मिली हैं स्टूडेंट्स को इंडिया में, तो आपका वहां पे क्या रहा जी इटली का डाटा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। हाँ, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मेरे ख्याल से 10 से 20% मतलब वीजा से लगे हैं तो एप्लीकेशंस के। जैसे आपको जिसकी इतनी इसकी जितनी प्रमोशन है उतने रिजल्ट्स नहीं है, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। देखें, इटली का आपको पता है बड़ा कॉम्प्लीकेटेड सा प्रोसेस है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। वेरी मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड, ना, वेरी टाइमिंग कंज्यूमिंग, इवन पैसे भी लगते हैं सर। हाँ, तो मुझे भी तकरीबन 5 से 6 माह हो गए मतलब प्रोसेस को डील करते हुए। आप स्कॉलरशिप को भी साथ साथ मतलब डील कर रहे होते हो, फिर ये भी कर रहे होते हो। तो और इन लास्ट, अब जैसे कि मेरी सब चीजें रेडी हैं, स्कॉलरशिप भी है, मतलब क्लासेस भी मैं अटेंड कर रहा था पिछले 2.5 महीने से, सही है। और सब चीजें, इनरोलमेंट वगैरह हर चीज मतलब डन हो चुकी है, लेकिन इन लास्ट आपका वीजा इशू नहीं हो रहा, तो तो आपकी ये बड़ा मतलब कैसी सिचुएशन हुई मुश्किल। होगी उस टाइम, आपका वीजा नहीं आया, आपने इतना टाइम वेस्ट किया, कैसा लगा आपको जब आपका वीजा नहीं आया, आपने इतने एफर्ट्स किए? बिल्कुल अच्छा तो किसको मतलब लगता है अच्छा कि नहीं लगा, और डिसअपॉइंटमेंट हुई और बड़ा मतलब, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीजा आ जाएगा क्योंकि केस बड़ा देखिए, स्ट्रॉन्ग केस बहुत था। स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपने हाँ मुझे प्रोफाइल बताई है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमें जब कांटेक्ट करते हैं, दे हैव ए वेरी वीक प्रोफाइल्स। सर, मैंने 12th की हुई है, 10वीं की हुई है, मैंने यूरोप जाना है, वी आर नॉट एंटरटेनिंग द प्रोफाइल्स। आपकी प्रोफाइल अच्छी थी, दैट रीजन आई एम डूइंग द जूम मीटिंग विद यू। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स रहते हैं वो क्वेरी बहुत ज्यादा करते हैं, मैसेज पे मैसेज, आगे क्या है, जब हम कहते हैं कि चलो अभी डालिए हमारी कंसल्टिंग फीस, तो फिर डिसअपियर हो जाते हैं। फिर सॉरी टू माइंड मत करिए, जो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, फिर हम उसमें कोई जी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो अभी आपने साथ में कोई सब्स्टिट्यूशन लिया था, आपने सब्स्टिट्यूट किसी और कंट्री में डाला था जब आपने इटली का डाला नहीं, कि जाहिर है पासपोर्ट उनके पास था। इनका प्रोसेस ऐसा है कि आप पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं, और पिछले कोई 4 महीने से पासपोर्ट इनके पास था, तो जाहिर है कहीं और तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। नहीं? अप्लाई तो चलो वो तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वहां पे तो फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं जाते, जब फिजिकली तब जाने जब वीजा अप्लाई करना होता है। एनी हो, तो एडमिशन्स तो मेरे थे, कहाँ पे, कौन सी जो कि कंट्री? ठीक अब मेरा फ्रांस में भी एडमिशन था है वहाँ पर। जी, IMT अटलांटिक के नाम से वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है। ना, उसको वी आर नॉट तो रिकमेंडिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और बताइए और इटली में भी एक और जगह मेरा एडमिशन ना, था। इटली का तो छोड़ ही हाँ, दीजिए, और बाकी और कंट्रीज में मैंने अप्लाई नहीं किया। अभी आपका एडमिशन कौन, इटली में कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोग्राम में आया था? मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, सही है, बोलोनिया जो है शहर, हाँ, समझ गया, कौन से प्रोग्राम में? और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके ओके, तो ऐसे हैं कि देखिए, फंड्स कितने दिखाए थे आपने, कम टू द पॉइंट, फंड्स आपने यहाँ पर। मेरे फंड्स जो है ना, उस वक्त जो मैंने शो किए थे 2 माह पहले, उस वक्त 21 लैक्स थे। अभी उसी अकाउंट में तकरीबन 23.5 लैक्स है। मतलब यूरो में उसके बाद बताएंगे भी आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम कितने साल का है, 2 साल का? 2 साल का है। यूरोप में बताएंगे कितने हैं? यूरो आप आइडिया लगा ले, तकरीबन 11,000 से प्लस होंगे, 11,000 यूरो हो जाएंगे तकरीबन, ज्यादा ही होंगे। अच्छा, इंटरव्यू ली थी इन्होंने? नहीं, इंटरव्यू नहीं ली, यही तो एक बहुत बड़ा मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि इंटरव्यू भी नहीं लिया और रिजेक्शन दे दी, मतलब यही तो टाइम चीज पास, है जो इट मींस डिसअपॉइंटमेंट। दे आर ओनली वेस्टिंग द टाइम ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स। जी, और इवन ये है कि जो रिजेक्शन लिखा हुआ है, रिजेक्शन लेटर जो उन्होंने दिया, उसमें एक स्टेटमेंट है, एक मतलब सेंटेंस ऐसा भी है जिसमें उन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इंटरव्यू मतलब वाज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब या इंटरव्यू सेटिस्फैक्ट्री। तो हालांकि एडमिट हुई इंटरव्यू नहीं हुआ है, नहीं है, और आपने तो वो इसका मतलब पता क्या है कि दे हैव ए लॉट ऑफ रश, दे हैव नो एनी स्टाफ सफिशिएंट, और इवन दे इंटेंशनली डू नॉट वांट टू गिव द वीजा। जी, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिसअपॉइंट करती हैं।
तो देखो अभी मैंने स्पेन का भी पीछे बताया था कि स्पेन इज गिविंग ए लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स, बट वहां पर मैंने बताया था कि मेरी काफी जूम मीटिंग्स हैं, तो अगर आपके पास वहां पर प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं तो आप वहां पे फाइट करके अपना वीजा ले सकते हैं। अभी मेरे रिसेंटली आज ही 2 वीजाज आए हैं स्पेन के, बट बिफोर दैट उनका रिफ्यूज किया गया स्पेन एम्बेसी ने। उसके बाद उनको फाइट करके अपील के थ्रू उनका वीजा निकले हैं, क्योंकि कुछ एम्बेसीज क्या है, दे आर आपकी जो ग्रीवेंसीज हैं उसको सुनती हैं। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास सारा कुछ है, तो इटली जैसी एम्बेसी क्या है, जी इसकी मैं जूम मीटिंग डालूंगा, ये वाले स्पेन के जो रिसेंटली वीजाज आए थे, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट मीटिंग। आप हमारी इसमें फॉलो करते रहिए, आपको थोड़ा पता ही लगेगा। तो वो 90% वीजाज दिए हैं उन्होंने, 90% वीजाज दिए हैं। अगर उनके पास 100 एप्लीकेशन पड़ती थी, सबको फ्री में स्टडी ग्रांट भी दी है 5,500 यूरो की। उस टाइम दे आर नॉट चेकिंग एनी फंड्स, इवन दे आर नॉट चेकिंग एनी प्रोफाइल। 50% वाले को भी वीजा, विदाउट IELTS वाले को भी वीजा है। बट ये पिछले 4 साल से मैं हर एक वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ कि इटली में मत डालिए, बट प्रमोशन बहुत है मार्केट के अंदर, वीडियोस बहुत है इटली के ऊपर। स्टिल बहुत सारे गलत कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर ही जा रहे हैं, वो बताते नहीं है कि ग्राफ उसका 10-20% का ही है, वो चाहते हैं कि चलो पैसे ले लें। अभी हम आपके मेन उसके ऊपर आते हैं तभी जी, इटली में टाइम मत वेस्ट करें, जी दोबारा रीअप्लाई करना तो कर लीजिए, बट मुझे मालूम है कि रिजल्ट आर वेरी वेरी निग्लिजिबल, आपका लक रहेगा। आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया थी, अभी आप जर्मन में डालते हैं तो आपको वहां की फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहां पे ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप कर सकते हैं, तो आपको वहां पे मिल सकता है। नॉर्वे में इमीडिएटली डालिए, नॉर्वे की एक दो यूनिवर्सिटीज की डेडलाइने हैं, 5 को या 10 को, दिसंबर को खत्म हो जाएगी, वहां पे आपका फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आ सकता है। जो आपकी प्रोफाइल है 74% BE मैकेनिकल में आपने की हुई है, केमिकल में, वहां पे केमिकल हाँ केमिकल में, वहां से एडमिशन आ सकता है फ्री यूनिवर्सिटीज में अगर जाना है। ऑस्ट्रिया से आपका एडमिशन आ सकता है वहां की फ्री यूनिवर्सिटी से, अगर वहां पर आप जाना चाहते हैं। नॉर्वे में और जर्मनी में आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जर्मन में इसको ब्लॉग्ड अकाउंट कहते हैं और नॉर्वे में इसको स्टूडेंट डिपॉजिट कहते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इन 3 कंट्रीज में डालते हैं तो मैक्सिमम चांसेस आर देयर, सही। अच्छा ठीक है। वो चीजें सही, मैं बिल्कुल समझता हूँ, जर्मनी, स्पेन, स्पेन छोड़ ऑस्ट्रिया, दीजिए, स्पेन नहीं देगा आपको, स्पेन का भी बहुत ग्राफ नीचे है, वो नहीं देता हाँ वीजा। सही है सही है। नॉर्वे, जर्मनी नॉर्वे की हाँ बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया में भी तो हाँ जी, वहां पर तो अभी एडमिशन्स आएंगे लेकिन वो भी अप्लाई करेंगे बिल्कुल, जो एप्लीकेशन उसमें उसमें करिए, डालेंगे अगर। उसमें उसमें क्या है कि वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई, दिस इज आल्सो, मतलब अगर लेकिन आप हाँ लेकिन क्वेश्चन ये है, मैं इस वक्त जो मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो कि अभी आपने थोड़ा सा क्लियर कर भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी एक दो सवाल उस बारे में पूछना चाहता हूँ पूछे पूछे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपील, मतलब फॉर इटालियन, सर, मतलब कुछ नहीं रिजेक्शन हो अगर आपसे पाएगा, आती मैंने माथे मार के देख लिए इनके साथ। जब तक आप बच्चों की यूनिटी नहीं है, जब तक आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, चाहे हमारे इंडियन स्टूडेंट है, चाहे श्रीलंकन, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, तब तक कंसुलेट आप लोगों को ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा। अगर उन्होंने आपके 100 स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज किया है, तो आप 100 स्टूडेंट्स को एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन इनको डालते हैं और एम्बेसी के आगे जाकर बताते हैं, तब जाकर कुछ ना कुछ आपकी हियरिंग हो सकती है, अदरवाइज आप सिंगल। सर आप 100 की बात कर रहे हैं, मेरे पास 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स मैं हैं, आप फिर ऐसा कहूँ ना, आइडिया लगा। यूनिटी नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने ग्रुप क्रिएट करके भी देख लिया, बच्चों को भी ग्रुप में डाला, हर एक बंदा क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है काम करने की बजाय, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैं कहा फिर छोड़ो यार, मैं अपना टाइम क्यों इसके अंदर वेस्ट करूं, आपको एक एक होकर इकट्ठे इनको लिखना है, साथ में इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखना है इटली के अंदर, उनको बताइए कि आप अपने रोड शो लगा रहे हैं, सेमिनार लगा रहे हैं, फ्री स्टडी इन इटली, स्टडी इन इटली, तो यहाँ पर तो आप हमारी इतने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको तो यहाँ पर बोर्ड लगा देना चाहिए एम्बेसी के अंदर, डू नॉट अप्लाई स्टूडेंट वीजा सिंस वी आर नॉट गिविंग। अगर आपने तो ये सर एक्चुअली मैं, मेरे पास ऑलरेडी, मतलब क्योंकि हम 4-5 माह से एक साथ प्रोसेस कर रहे थे, तो मतलब काफी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इन टच हैं, ठीक और है एक्चुअली मैं 2-3 सवाल है ना जो जानना चाहते हैं लड़के, जो जो मतलब उन क्यूरियस हैं कि भाई टाइम कितना कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में, दूसरा
इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना सर होगा, देखिए मतलब आप एक्सपेंडिचर क्या है एक्सपेंसेस भी सर, बता। मेरा छोड़ दूसरा दीजिए, ये है, सुनिए, इसमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है नहीं इसमें। आपका नहीं कह रहा, हाँ आपका तो चलो जो होगा वो तो हम कर हाँ लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर अगर मिसाल के तौर पर कोई एडवोकेट हायर होता है, सुना है ऐसा कोई पॉसिबल, मतलब कोई है तरीकेकार है, और है फिर इसका जी, और उसके बाद फिर ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में हमने जनवरी से पहले पहले वहां पर पहुंचना है, जनवरी की एंड तक, तो हमारे सर, पास ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 दिन हो गए, आप ऐसे आइडिया लगा ले, 50 दिन में तो 50 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। इसमें 6-6 महीने लगते हैं वहां की कोर्ट कचहरियों के अंदर। बट इसमें क्या होगा, आप सुन रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक तो कोई ना कोई वो आपको उनको डिसीजन देना पड़ेगा आपके सारे केसेस के ऊपर। जैसे आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके फंड भी प्रॉपर हैं, IELTS किया हुआ है, आपकी इंटरव्यू अगर 5 पैनल अम्बेसी के लोग बैठे हैं वो भी लेते हैं, तो आपने वही बताना है जो आपके पास है। आप ऐसा तो है नहीं है जी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक क्रिएट किया हुआ है, फंड फेक क्रिएट किए हुए हैं, बिल्कुल या IELTS फेक क्रिएट किया हुआ है। यू आर द जेन्युइन, बिल्कुल देन यू कैन फाइट विद देम। मैंने बताया स्पेन के आए हैं, वी टुक द वीजा बाई फाइटिंग विद देम। बट यहाँ पे क्या है कि हम सिंगल सिंगल डाल रहे हैं, ये सुनते नहीं सिंगल सिंगल की, तो स्पेन वाले फिर भी सुनते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आया कि सर टाइमिंग कंज्यूमिंग खर्चा क्या है, वो आपकी अपनी मेहनत है। आपने लेटर प्रिपेयर करना है, सबके माइंड को यूज करना है उस लेटर के अंदर, और इसके अंदर क्या एड ऑन करें ये मैंने रिप्रेजेंटेशन बना ली है, और उसके साथ मैक्सिमम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हर एक बच्चे की प्रोफाइल लिखनी है, अगर इस उसके अंदर एग्जाम्पल्स देनी है। अगर ये प्रोफाइल मैं जर्मन की कंट्री में डालूं या मैं ऑस्ट्रिया में डालूं, वहां पे 100% इसका एडमिशन है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वीजा भी उनका ग्राफ कंपेरेटिवली आपसे ज्यादा है। हमने यहाँ पर पिछले 3 साल से लिखी है साथ में, 4 साल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इंपोर्टेंट आपकी एम्बेसीज में लगाकर, तो उसमें क्या बेनिफिट है। फिर वो थोड़ा लीनियंटली देखेंगे, जब एक बंदा होता है तो वो कोई नहीं सुनता, जब 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं ना, फिर उनको देखना पड़ता है वहां की मिनिस्ट्री को भी। इवन इसकी कॉपी आप अपने जो कंसुलेट है आपका, पाकिस्तान कंसुलेट इन इटली, उनको भी लिखिए, उनको भी कॉपी डाल दिए, जी प्लीज प्लीज लाइज विद द इटालियन गवर्नमेंट टू प्लीज मतलब टेक द एक्शन ऑन दीज जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब उसके अंदर जी ऐसे ऐसे VIP लोगों को आपको एड्रेस करनी पड़ेगी वो कंप्लेंट। उसके बाद क्या होगा, फिर उनको लिनियनली आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। चलो एक सपोज करते हैं उन्होंने 50% या 10% भी एक्शन लिया, तो इन फ्यूचर आप जैसे लोग सफर नहीं होंगे, ये ख्याल रखिए। नेक्स्ट बिल्कुल टाइम आप जैसे लोग सफर नहीं होंगे, फिर उनको पता चल जाएगा नहीं यार अभी तो जहां तो फाइल ले, जहां तो फाइल ले ही ना, क्योंकि सही बात है। उसके अरे वो अंदर या तो अपॉइंटमेंट्स ही उतने दें जितने हाँ के उनके पास वीजाज हैं, मतलब तो अगर फिफ्टी वो पांच परसेंट भी हजार लोगों अगर के किसी कंट्री की 50% भी वीजा सक्सेस रेट है ना, मैं कहता हूँ ठीक है डालो यार, कोई बात नहीं। यार ये करते सही क्या बात है, पागल बना दिया सबको। पिछले 4 साल से लोग बड़े सफर हैं। एक बच्चे मेरे पास इंडियन है, 80-80% नंबर है, 85-85% नंबर है, दे रिफ्यूज द वीजा, इवन IELTS 7 बैंड है। जी। मेरे साथ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 7.5-8 बैंड्स भी हैं, उनके भी वीजा रिफ्यूज हुए हैं, तो और उनकी बंदा पर्सनल आप इनकम तो सर स्टूडेंट है, मेरे जैसा जो कंसल्टेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर मेरे पास कोई केस लिया है ना, अगर मेरे पास ऐसी कोई प्रोफाइल आती है ना, उसको अगर मैं कोई कंट्री रिकमेंड करता हूँ, मैं उसके अंदर 80-90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास इटली के लिए आया तो मैं इटली में पहले बता दूंगा भाई ये नहीं हो पाएगा, 5-10% चांसेस है, डालना तो मैं डाल दूंगा, साथ में मैं ये कंट्री रिकमेंड करता हूँ, यहाँ डालो, यहाँ पे आपको 80-90% रिजल्ट मिल जाएंगे। सही। तो तो ऐसे हैं तबीश जी, आप अपने ग्रुप में लिखिए इस तरीके से, अपना ग्रुप क्रिएट करिए, उसमें मेरा व्हाट्सएप डाल लीजिए, जितने भी सारे कंट्रीज के स्टूडेंट है, इवन उसके अंदर आप लूप होल में इंडियन कंसुलेट या अनदर कंसुलेट के स्टूडेंट्स को भी रख लीजिए, अगर वो भी स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं तो थोड़ा सा वो देखे तो सही, सही सही फिर होगा कुछ। अदरवाइज आप अभी डालोगे कुछ करोगे अपीले डालोगे, उसमें टोटली टाइम वेस्ट करोगे, सिंगल ये लिख लेना, उसमें कोई फायदा नहीं। नहीं, सिंगल तो कोई उसका सिंगल तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है बंदा, ये सारी चीजें उसमें एक्सपेंस ही इतना हो जाएगा नहीं, कि एक्सपेंसिव की बंदा बात नहीं क्या। है, लोगों के पास पैसा है खर्चने वाले, बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग, रिजल्ट नहीं है जब तक आप यूनिटी नहीं है, यूनिटी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तभी जी मैंने आपका काफी टाइम लिया चौहान जी, अगर फिर भी आपने किसी कंट्री में और कोई मेरा ओपिनियन लेना हो
मैं व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, मेरा कोई ओपिनियन चाहिए, कोई आपने रिप्रेजेंटेशन बनाई है कहीं की, पब्लिक का कोई एड्रेस चाहिए कहाँ इसको एड्रेस करें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आवाज नहीं आ रही सर आप। हेलो 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 आ रही है अभी? हेलो जी जी अभी आवाज आ रही है। तो मैंने ये कहा कि ग्रुप के अंदर हमें भी डाल लीजिए, डालने के बाद अगर आपको कोई भी उसके अंदर ओपिनियन चाहिए, आपको कुछ भी हमारी कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको वो जरूर करूंगा, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंस अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट के लिए अगर ऐसी कोई चीज करनी पड़े तो हमें भी खुशी मिलती है कि ठीक है यार करें इनके ऊपर, ठीक है जी। आपके सर इंटरनेट में इशू है या क्या है, आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो अभी आ रही है? हेलो जी जी अभी आ रही है सर। ना मैंने ये कहा कि आप उस ग्रुप में हमें भी डाल लीजिए, कोई रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए, हाँ रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए, मुझे भेजिए, उसमें मैं भी चेक कर लूंगा, कोई मैं अल्टरेशन एडिशन करना, मैं भी कुछ लाइनें डाल दूंगा, किसको किसको एड्रेस करनी है उनको भी डाल देंगे, उसके बाद फिर लेट्स सी क्या होता है। और अपना किसी और कंट्री के ऊपर केस डालने की कोशिश करें, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करें। बिल्कुल, मतलब पैरेलल ये दोनों चीजें कर सकता है इंसान, फिलहाल एडमिशन के लिए अप्लाई कर दे और साथ में इसका भी अगर कोई हल है तो निकाल ले, अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर है फिर कहीं और मूव ऑन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ठीक है सर, नमस्कार। भी लगता है अगर कोई बंदा हेल्प करता है इस तरह से, मतलब थोड़ी सी नॉलेज भी हो ना उनके पास, तो फिर मजा आता है। कोई बात नहीं, हम एंड तक लड़ेंगे सर, एंड तक लड़ेंगे जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। आप ये शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ वीडियो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा, उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा फिर किस तरह से ये चीजें डील होंगी। ठीक ठीक है सर। तो आपने वहां पे ये करांची कॉन्सुलेट में अप्लाई किया था, जब आपने अप्लाई किया था तो आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जब आप कॉन्सुलेट में जाते होंगे तो? जी जी बहुत, यहाँ पर काफी सारे एप्लीकेंट्स हैं, मतलब अगर ओवरऑल आप बात करें जो नंबर समय पता चले तो मेरे ख्याल में 1500 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस कराची कंसुलेट से मतलब अच्छा, तो आपको क्या लगता है, हमारे तो यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शंस देखने को मिली हैं स्टूडेंट्स को इंडिया में, तो आपका वहाँ पे क्या रहा इटली का डाटा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो? हाँ, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मेरे ख्याल से 10-20% मतलब वीजा से लगे हैं। तो जैसे आपको जिसकी इतनी इसकी जितनी प्रमोशन है उतने रिजल्ट्स नहीं है, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। देखें इटली का आपको पता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टाइमिंग कंज्यूमिंग, इवन पैसे भी लगते हैं सर। हाँ, तो मुझे भी तकरीबन 5-6 माह हो गए मतलब प्रोसेस को डील करते हुए, आप स्कॉलरशिप को भी साथ साथ मतलब डील कर रहे होते हो, फिर ये भी कर रहे होते हो, तो और इन लास्ट अब जैसे कि मेरी सब चीजें रेडी हैं, स्कॉलरशिप भी है, मतलब क्लासेस भी मैं अटेंड कर रहा था पिछले 2.5 महीने से, सही है, और सब चीजें इनरोलमेंट वगैरह हर चीज मतलब डन हो चुकी है, लेकिन इन लास्ट आपका वीजा इशू नहीं हो रहा, तो ये बड़ा मतलब कैसी सिचुएशन हुई होगी उस टाइम, आपका वीजा नहीं आया, आपने इतना टाइम वेस्ट किया, कैसा लगा आपको जब आपका वीजा नहीं आया, आपने इतने एफर्ट्स किए? बिल्कुल अच्छा तो किसको मतलब लगता है, अच्छा नहीं लगा और डिसअपॉइंटमेंट हुई और बड़ा मतलब, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीजा आ जाएगा, क्योंकि देखिए केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आपने मुझे प्रोफाइल बताई है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमें जब कॉन्टेक्ट करते हैं दे हैव ए वेरी वीक प्रोफाइल्स, सर मैंने 12th की हुई है, 10th की हुई है, मैंने यूरोप जाना है, वी आर नॉट एंटरटेनिंग द प्रोफाइल्स, आपकी प्रोफाइल अच्छी थी, दैट रीजन आई एम डूइंग द जूम मीटिंग विद यू। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स रहते हैं वो क्वेरी बहुत ज्यादा करते हैं, मैसेज पे मैसेज, आगे क्या है, जब हम कहते हैं कि चलो अभी डालिए हमारी कंसल्टिंग फीस, तो फिर डिसअपियर हो जाते हैं, फिर सॉरी टू माइंड मत करिए जो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, फिर हम उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो अभी आपने साथ में कोई सब्स्टिट्यूशन लिया था, आपने सब्स्टिट्यूट किसी और कंट्री में डाला था जब आपने इटली का डाला था? नहीं, कि जाहिर है पासपोर्ट उनके पास था, इनका प्रोसेस ऐसा है कि आप पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं, और पिछले कोई 4 महीने से पासपोर्ट इनके पास था, तो जाहिर है कहीं और तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। नहीं अप्लाई तो चलो वो तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वहां पे तो फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं जाते,
जब फिजिकली तब जाने जब वीजा अप्लाई करना होता है। एनी हो एडमिशन्स तो मेरे थे कहाँ पे कौन सी कंट्री? अब मेरा फ्रांस में भी एडमिशन था। ठीक है वहां पर जी आईएमटी अटलांटिक के नाम से वहां पर एक इंस्टीट्यूट है ना, उसको वी आर नॉट रिकमेंडिंग आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और बताइए और इटली में भी एक और जगह मेरा एडमिशन था। इटली का तो छोड़ ही दीजिए, और बाकी और कंट्रीज में मैंने अप्लाई नहीं किया। अभी आपका एडमिशन कौन सा इटली में कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम में आया था? मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, सही है, बोलोनिया जो है शहर। हाँ समझ गया, कौन से प्रोग्राम में? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके ओके, तो ऐसे है कि देखिए फंड्स कितने दिखाए थे आपने, कम टू द पॉइंट फंड्स आपने यहाँ पर। मेरे फंड्स जो है ना उस वक्त जो मैंने शो किए थे 2 माह पहले, उस वक्त 21 लाख थे, अभी उसी अकाउंट में तकरीबन 23.5 लाख है। मतलब यूरो में बताएंगे आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम कितने साल का है? 2 साल का? 2 साल का। यूरो में बताएंगे कितने हैं? यूरो आप आइडिया लगा ले तकरीबन 11,000 से प्लस होंगे, 11,000 यूरो हो जाएंगे तकरीबन, ज्यादा ही होंगे। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू ली थी इन्होंने? नहीं इंटरव्यू नहीं ली, यही तो एक बहुत बड़ा मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि इंटरव्यू भी नहीं लिया और रिजेक्शन दे दी। मतलब यही टाइम पास, इट मींस दे आर ओनली वेस्टिंग द टाइम ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स जी। और इवन ये है कि जो रिजेक्शन लिखा हुआ है, रिजेक्शन लेटर जो उन्होंने दिया उसमें एक स्टेटमेंट है, एक मतलब सेंटेंस ऐसा भी है जिसमें उन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इंटरव्यू मतलब वाज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये सेटिस्फैक्टरी। तो इंटरव्यू हुई नहीं, हुआ नहीं है। और तो आपने वो इसका मतलब पता क्या है कि दे हैव अ लॉट ऑफ रश, दे हैव नो एनी स्टाफ सफिशिएंट, और इवन दे इंटेंशनली डू नॉट वांट टू गिव द वीजा जी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिसअपॉइंट करती हैं। तो देखो अभी मैंने स्पेन का भी पीछे बताया था कि स्पेन इज गिविंग अ लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स, बट वहां पर मैंने बताया था कि मेरी काफी जूम मीटिंग्स हैं, तो अगर आपके पास वहां पर प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं तो आप वहां पे फाइट करके अपना वीजा ले सकते हैं। अभी मेरे रिसेंटली आज ही 2 वीजाज आए हैं स्पेन के, बट बिफोर दैट उनका रिफ्यूज किया गया स्पेन एम्बेसी ने, उसके बाद उनको फाइट करके अपील के थ्रू उनका वीजा निकले हैं, क्योंकि कुछ एम्बेसीज क्या है, दे आर आपकी जो ग्रीवेंसीज हैं उसको सुनती हैं, अगर आप सच्चे हैं आपके पास सारा कुछ है। तो इटली जैसी एम्बेसी क्या है, इसकी मैं जूम मीटिंग डालूंगा, ये वाले स्पेन के जो रिसेंटली वीजाज आए थे, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट मीटिंग, हमारी इसमें फॉलो करते रहिए, आपको थोड़ा पता चलेगा। अभी इटली में क्या प्रॉब्लम है, दे कुड नॉट लिसन यू, इवन आप उनको कोई द्वारा भी रीअप्लाई करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन भी डालते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, वो चाहते हैं कि हमने देना ही नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसी प्रोफाइल को जब भी हमारे पास आए, मैं इटली को पिछले 6-7 साल से डील कर रहा हूँ, तो पिछले 4 साल से इन्होंने बहुत सारी रिफ्यूजल्स दी हैं। उससे पहले 4 साल का अगर ग्राफ देखें तो वो 90% वीजाज दिए हैं उन्होंने, 90% वीजाज दिए हैं, अगर उनके पास 100 एप्लीकेशन पड़ती थी, सबको फ्री में स्टडी ग्रांट भी दी है 5,200 यूरो की। उस टाइम दे आर नॉट चेकिंग एनी फंड्स, इवन दे आर नॉट चेकिंग एनी प्रोफाइल, 50% वाले को भी वीजा, विदाउट IELTS वाले को भी वीजा है। बट ये पिछले 4 साल से मैं हर एक वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ कि इटली में मत डालिए, बट प्रमोशन बहुत है मार्केट के अंदर, वीडियोस बहुत है इटली के ऊपर, स्टिल बहुत सारे गलत कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर ही जा रहे हैं, वो बताते नहीं है कि ग्राफ उसका 10-20% का ही है, वो चाहते हैं कि चलो पैसे ले लें। अभी हम आपके मेन उसके ऊपर आते हैं तभी जी, इटली में टाइम मत वेस्ट करें, दोबारा रीअप्लाई करना तो कर लीजिए, बट मुझे मालूम है कि रिजल्ट आर वेरी वेरी निग्लिजिबल, आपका लक रहेगा। आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया थी, अभी आप जर्मन में डालते हैं तो आपको वहां की फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहां पे ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप कर सकते हैं तो आपको वहां पे मिल सकता है। नॉर्वे में इमीडिएटली डालिए, नॉर्वे की 1-2 यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन हैं, 5 को या 10 को दिसंबर को खत्म हो जाएगी, वहां पे आपका फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आ सकता है, जो आपकी प्रोफाइल है 74% BE मैकेनिकल में आपने की हुई है, केमिकल में, वहां पे हाँ केमिकल में, वहां से एडमिशन आ सकता है फ्री यूनिवर्सिटीज में अगर जाना है। ऑस्ट्रिया से आपका एडमिशन आ सकता है वहां की फ्री यूनिवर्सिटी से, अगर वहां पर आप जाना चाहते हैं। नॉर्वे में और जर्मनी में आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जर्मन में इसको ब्लॉग्ड अकाउंट कहते हैं और नॉर्वे में इसको स्टूडेंट डिपॉजिट कहते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इन 3 कंट्रीज में डालते हैं तो मैक्सिमम चांसेस आर देयर।
अच्छा, तो वो चीजें सही, मैं बिल्कुल समझता हूँ। जर्मनी, स्पेन, हाँ, स्पेन ऑस्ट्रिया, छोड़ दीजिए, स्पेन नहीं देगा आपको, स्पेन का भी बहुत ग्राफ नीचे है, वो नहीं देता हाँ वीजा। सही है, सही है। नॉर्वे, जर्मनी नॉर्वे की हाँ, बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया में भी। तो। हाँ जी, वहाँ पर तो अभी एडमिशन्स आएंगे, लेकिन वो भी अप्लाई करेंगे बिल्कुल, जो एप्लीकेशन हाँ, उसमें डालेंगे अगर। उसमें उसमें क्या है कि वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई, दिस इज आल्सो, मतलब अगर लेकिन आप। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है, मैं इस वक्त जो मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो कि अभी आपने थोड़ा सा क्लियर कर भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी एक दो सवाल उस बारे में पूछना चाहता हूँ पूछे पूछे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपील, मतलब फॉर इटालियन, सर, मतलब कुछ रिजेक्शन नहीं हो अगर आपसे पाएगा, आती मैंने माथे मार के देख लिए इनके साथ। जब तक आप बच्चों की यूनिटी नहीं है, जब तक आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, चाहे हमारे इंडियन स्टूडेंट है, चाहे श्रीलंकन, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, तब तक कंसुलेट आप लोगों को ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा। अगर उन्होंने आपके 100 स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज किया है, तो आप 100 स्टूडेंट्स को एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन इनको डालते हैं और एम्बेसी के आगे जाकर बताते हैं, तब जाकर कुछ ना कुछ आपकी हियरिंग हो सकती है। अदरवाइज आप सिंगल, सर आप 100 की बात कर रहे हैं, मेरे पास 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स मैं हैं, फिर ऐसा कहूँ है ना, रियल। यूनिटी नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने ग्रुप क्रिएट करके भी देख लिया, बच्चों को भी ग्रुप में डाला, हर एक बंदा क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है काम करने की बजाय, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैं कहा फिर छोड़ो यार, मैं अपना टाइम क्यों इसके अंदर वेस्ट करूं। आपको एक एक होकर इकट्ठे इनको लिखना है, साथ में इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखना है, इटली के अंदर उनको बताइए कि आप अपने रोड शो लगा रहे हैं, सेमिनार लगा रहे हैं, फ्री स्टडी इन इटली, स्टडी इन इटली, तो यहाँ पर तो आप हमारे इतने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको तो यहाँ पर बोर्ड लगा देना चाहिए एम्बेसी के अंदर, डू नॉट अप्लाई स्टूडेंट वीजा सिंस वी आर नॉट गिविंग। अगर आपने तो ये, सर एक्चुअली मैं, मेरे पास ऑलरेडी, मतलब क्योंकि हम 4-5 माह से एक साथ प्रोसेस कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इन टच हैं। ठीक और है, एक्चुअली मैं, 2-3 सवाल है ना जो जानना चाहते हैं लड़के, जो मतलब उन क्यूरियस हैं कि भाई टाइम कितना कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में, दूसरा इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना सर होगा, देखिए मतलब आप एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेंसेस है भी सर, बता दें। मेरा छोड़ दूसरा दीजिए, ये है, सुनिए, इसमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है नहीं इसमें। आपका नहीं कह रहा, हाँ आपका तो चलो जो होगा वो तो हम कर हाँ लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर अगर मिसाल के तौर पे कोई एडवोकेट हायर होता है, सुना है ऐसा कोई पॉसिबल, मतलब कोई तरीकेकार है, और है। फिर इसका जी, और उसके बाद फिर ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में हमने जनवरी से पहले पहले वहां पर पहुंचना है, जनवरी की एंड तक, तो हमारे सर पास ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 दिन होंगे, आप ऐसे आइडिया लगा ले 50 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, इसमें 6-6 महीने लगते हैं वहां की कोर्ट कचहरियों के अंदर। बट इसमें क्या होगा, आप सुन रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक तो कोई ना कोई वो आपको, उनको डिसीजन देना पड़ेगा आपके सारे केसेस के ऊपर। जैसे आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके फंड भी प्रॉपर हैं, IELTS किया हुआ है, आपकी इंटरव्यू अगर 5 पैनल अम्बेसी के लोग बैठे हैं वो भी लेते हैं, तो आपने वही बताना है जो आपके पास है। आप ऐसा तो है नहीं है जी। कि आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक क्रिएट किया हुआ है, फंड फेक क्रिएट किए हुए हैं, बिल्कुल या IELTS फेक क्रिएट किया हुआ है। यू आर द जेन्युइन, बिल्कुल देन यू कैन फाइट विद देम। मैंने बताया स्पेन के आए हैं, वी टुक द वीजा बाई फाइटिंग विद देम, बट यहाँ पे क्या है कि हम सिंगल सिंगल डाल रहे हैं, ये सुनते नहीं सिंगल सिंगल की, तो स्पेन वाले फिर भी सुनते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आया कि सर टाइमिंग कंज्यूमिंग, खर्चा क्या है, वो आपकी अपनी मेहनत है, आपने लेटर प्रिपेयर करना है, सबके माइंड को यूज करना है उस लेटर के अंदर, और इसके अंदर क्या ऐड ऑन करें ये मैंने रिप्रेजेंटेशन बना ली है, और उसके साथ मैक्सिमम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हर एक बच्चे की प्रोफाइल लिखनी है, अगर इस उसके अंदर एग्जाम्पल्स देनी है, अगर ये प्रोफाइल मैं जर्मन की कंट्री में डालूं, या मैं ऑस्ट्रिया में डालूं, वहां पे 100% इसका एडमिशन है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वीजा भी उनका ग्राफ कंपेरेटिवली आपसे ज्यादा है, हमने यहाँ पर पिछले 3 साल से लिखिए, साथ में 4 साल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इंपोर्टेंट आपकी एम्बेसीज में लगाकर, तो उसमें क्या बेनिफिट है। फिर वो थोड़ा लिनियरली देखेंगे, जब एक बंदा होता है तो वो कोई नहीं सुनता, जब 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं ना, फिर उनको देखना पड़ता है वहां की मिनिस्ट्री को भी, इवन इसकी कॉपी आप अपने जो कंसुलेट है आपका पाकिस्तान कंसुलेट इन इटली, उनको भी लिखिए, उनको भी कॉपी डाल दिए, जी प्लीज प्लीज लाइज विद द इटालियन गवर्नमेंट टू प्लीज मतलब टेक द एक्शन ऑन दीज जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं।
मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे वीआईपी लोगों को आपको एड्रेस करनी पड़ेगी वो कंप्लेंट। उसके बाद क्या होगा, फिर उनको लीनियंटली आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। चलो एक्सपोज करते हैं उन्होंने 50% या 10% भी एक्शन लिया, तो इन फ्यूचर आप जैसे लोग सफर नहीं होंगे, ये ख्याल रखिए। नेक्स्ट टाइम आप जैसे लोग सफर नहीं होंगे, फिर उनको पता चल जाएगा नहीं यार अभी तो जहाँ तो फाइल ले जहाँ तो फाइल ले ही ना। सही बात है, क्योंकि उसके अंदर वो या तो अपॉइंटमेंट ही उतने दें जितने के उनके पास वीजाज हैं, मतलब तो 50% भी अगर किसी कंट्री की 50% भी वीजा सक्सेस रेट है ना, मैं कहता हूँ ठीक है डालो यार कोई बात नहीं। यार ये करते क्या है, पागल बना दिया सबको। पिछले 4 साल से लोग बड़े सफर हैं। एक बच्चे मेरे पास इंडियन है, 80-80% नंबर है, 85-85% नंबर है, दे रिफ्यूज द वीजा, इवन IELTS 7 बैंड है। जी जी, मेरे साथ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 7.5-8 बैंड भी हैं, उनके भी वीजा रिफ्यूज हुए। तो बंदा पर्सनल आप तो सर स्टूडेंट है, मेरे जैसा जो कंसल्टेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर मेरे पास कोई केस लिया है ना, अगर मेरे पास ऐसी कोई प्रोफाइल आती है ना, उसको अगर मैं कोई कंट्री रिकमेंड करता हूँ, मैं उसके अंदर 80-90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास इटली के लिए है तो मैं इटली में पहले बता दूंगा भाई ये नहीं हो पाएगा, 5-10% चांसेस है, डालना तो मैं डाल दूंगा, साथ में मैं ये कंट्री रिकमेंड करता हूँ यहाँ डालो, यहाँ पे आपको 80-90% रिजल्ट मिल जाएंगे। सही। तो ऐसे है तबीज जी, आप अपने ग्रुप में लिखिए इस तरीके से, अपना ग्रुप क्रिएट करिए, उसमें मेरा व्हाट्सअप डाल लीजिए, जितने भी सारे कंट्रीज के स्टूडेंट है, इवन उसके अंदर आप लूप होल में इंडियन कंसुलेट या अनदर कंसुलेट के स्टूडेंट्स को भी रख लीजिए, अगर वो भी स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं तो थोड़ा सा वो देखे तो सही। सही सही, फिर होगा कुछ, अदरवाइज आप अभी डालोगे कुछ करोगे अपीले डालोगे उसमें टोटली टाइम वेस्ट करोगे, सिंगल ये लिख लेना उसमें कोई फायदा नहीं। सिंगल तो कोई उसका सिंगल तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता बंदा, ये सारी चीजें उसमें एक्सपेंसिव इतना हो जाएगा। नहीं एक्सपेंसिव की बात नहीं है, लोगों के पास पैसा है खर्चने वाले, बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग, रिजल्ट नहीं है जब तक आप यूनिटी नहीं है, यूनिटी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तभी जी मैंने आपका काफी टाइम लिया चौहान जी, अगर फिर भी आपने किसी कंट्री में और कोई मेरा ओपिनियन लेना हो, मैं व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, मेरा कोई ओपिनियन चाहिए, कोई आपने रिप्रेजेंटेशन बनाई है कहीं की, पब्लिक का कोई एड्रेस चाहिए कहाँ इसको एड्रेस करें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आवाज़ नहीं आ रही सर आप। ना मैंने ये कहा कि आप उस ग्रुप में हमें भी डाल लीजिए, कोई रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए, हाँ रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए, मुझे भेजिए, उसमें मैं भी चेक कर लूंगा, कोई मैं अल्टरेशन एडिशन करना मैं भी कुछ लाइनें डाल दूंगा, किसको किसको एड्रेस करनी है उनको भी डाल देंगे, उसके बाद फिर लेट्स सी क्या होता है, और अपना किसी और कंट्री के ऊपर केस डालने की कोशिश करें, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करें। बिल्कुल, मतलब पैरेलल ये दोनों चीजें कर सकता है, अप्लाई कर दे और साथ में इसका भी अगर कोई हल है तो निकाल ले, अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर है फिर कहीं और मूव ऑन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ठीक है सर, नमस्कार।